हेलो एस्पीरियंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी वन लाइनर सीरीज के अंडर आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस और यू कैन से इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के बारे में। किन दो कंट्रीज के बीच में कौन सी लाइन है जो एज ए बाउंड्री लाइन मानी जाती है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। उनके कुछ नाम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैगिनॉट लाइन है, मैकमोहन लाइन है, 25th पैरेलल लाइन है, तो इस तरह से करके। अब देखिए, हर एक कंट्री के बीच में जो डिवीजन है, जो बाउंड्री लाइन है, वो हमें नहीं पढ़ना है, बट जो भी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो कैस्पियन सी के अराउंड है, केप ऑफ गुड होप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कौन सी ऐसी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है साउथ ईस्ट एशिया में, इस तरह की कुछ चीजें हमें और भी पढ़ना है, ठीक है। पहले हम छोटा सा ये टेबल देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, 17th पैरेलल लाइन साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम के बीच में है, ठीक है। इन दोनों कंट्रीज को अलग करता है, सेपरेट करता है ये वाली लाइन, विच इज 17th पैरेलल लाइन। सेकेंड आता है 20th पैरेलल लाइन, लिबिया एंड सूडान अफ्रीकन कंट्रीज है। 22nd पैरेलल लाइन, इजिप्ट एंड सूडान अफ्रीकन कंट्रीज है। 25th पैरेलल लाइन, ये है मॉरिटानिया एंड माली। 31st पैरेलल लाइन, ईरान एंड इराक। अब देखिए, ये बहुत सारी हैं, कैसे याद करनी है। देखिए, जो इसमें 38th एंड 49th है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इन्हीं से पूछा जाता है। ये सब बुक में दिया था, मैंने लिख दिया है, अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी कैपेसिटी है, आप याद कर सकते हैं, अच्छी बात है। बाकी इसके बाद से जो आगे चलेंगे वो तो आपको सब अच्छे से याद करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। अब अगर बात करें 38th पैरेलल लाइन की, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में है, ठीक है ना। इन दोनों कंट्रीज को सेपरेट करता है, प्रॉपर बाउंड्री बनाता है ये वाली पैरेलल लाइन। नेक्स्ट आता है 49th पैरेलल लाइन, यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। डूरंड लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड एंड जर्मनी यूरोपियन कंट्रीज हैं। मैकमोहन लाइन चाइना एंड इंडिया, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। मैगिनॉट लाइन जर्मनी एंड फ्रांस। मनरहीम लाइन रशिया एंड फिनलैंड। ऑर्डन ईस्ट लाइन पोलैंड एंड जर्मनी। रेडक्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड सिगफ्राइड लाइन फ्रांस एंड जर्मनी। तो ये तो आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है ना। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन आता है और हम क्या करते हैं ना, हम जो लास्ट में रहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लास्ट में टॉपिक्स, उनको पढ़ते ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाते, हम समझते नहीं उनका सिग्निफिकेंस। हम रॉक्स, माउंटेन्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, एंटीसाइक्लोन्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ओशनोस्फेयर, इस सब में रह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठता है, जो सिर्फ हमको याद ही करने होते हैं, कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना होता है, या आप ट्रिक वगैरह बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ वन लाइनर्स आते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बाउंड्री लाइन से हटके हैं, बट इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज की बाउंड्री लाइन नहीं है, या किसी और बाउंड्री लाइन के बारे में बात करेंगे कि कोई लेक है कोई जो दो कंट्रीज को अलग करती है, या फिर कोई लैंडलॉक्ड कंट्री, इस तरह से बाउंड्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आता है कंट्रीज दैट टच द कैस्पियन सी। ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को टच करती हैं, ठीक है ना। तो अब आपको ये बताऊंगी मैं, यहाँ पे याद करेंगे आप, ट्रिक भी देखेंगे, बट यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी मैप की। आपके सामने वर्ड मैप होना चाहिए, हमेशा कहती हूँ कुछ भी पढ़ने बैठो सामने मैप्स लगे होने चाहिए, नहीं है अगर इन एनी केस तो अपनी एटलीस्ट आप अभी खोल लें, क्योंकि उसके बिना आपको ये अभी समझ में आएगा, आप ट्रिक भी याद कर लेंगे, बट लॉन्ग टर्म ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी चीज, ठीक है ना। चलिए, कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को टच करती हैं? रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। राकित करके आप ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको धीरे धीरे जो है ये वैसे ही याद हो जाएगा जब आप 3-4 रीडिंग्स दे लेंगे इसको उसके बाद में। सेकेंड पॉइंट आता है कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया दैट इज लैंड लॉक्ड। ऐसी कौन सी कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की जो कि लैंड लॉक्ड है? लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। एन इंडिपेंडेंट सोवेरियन स्टेट दैट डजंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द ओशन। कोई ऐसी इंडिपेंडेंट कंट्री जिसको डायरेक्टली जो है ओशन से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली वो ओशन से बाउंड्री नहीं शेयर करता है ना, तो इस तरह से डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उसका ओशन से, अगर उसको ओशन तक पहुंचना है किसी और कंट्री से होके ही जाना पड़ेगा, तो वो है लाओस। ओके, आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए, अभी हमारा जस्ट फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना, तो अभी हमें काफी कुछ और भी पढ़ना है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। और चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का थर्ड पॉइंट है कंट्रीज इंक्लूडेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हम बोलते हैं ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो वो है एरिट्रिया, सोमालिया, एथियोपिया एंड जिबूती।
ये आपको याद रखनी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे ज्यादा क्या ही रहेगा, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टैटिक वाला पार्ट आ जाता है कि जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, थोड़ा रटने वाला पार्ट ये है। फोर्थ पॉइंट आता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? देखिए स्कैंडिनेवियन का मतलब होता है डेंजरस आइलैंड, जहां पे बार बार जो है मतलब वाटर, ऑब्वियसली ओशन से रिलेटेड कोई कंट्री, जहां पे आसपास जो बाउंड्री है वो ओशन से लगेगी, सी से लगेगी, ऐसी है ना। तो इसमें सभी कौन कौन सी है कैसे याद करेंगे आप? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। मैप पे देखें, ये सारी कंट्रीज साथ में जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप। यूरोप का जो मैप है उससे थोड़ा सा अलग है ये, अगर आप थोड़ा जूम करके इमेजिन करें या आप वैसे भी देखें तो थोड़ा सा अलग है ये, है ना। जैसे अगर हम इंडिया के केस में बात करें, हमारा नॉर्थ ईस्ट है तो वो हम बोलते हैं ना कि मतलब पतले से एरिया से कनेक्टेड है वेस्ट बंगाल से होके, तो वैसा ही कुछ वहां पे है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट होता है डिस्पाइट बीइंग ज्योग्राफिकली लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, कंट्री दैट इज पॉलिटिकली पार्ट ऑफ यूरोप। ऐसी कौन सी कंट्री है जो हमें लगता है मैप में देखे कि नॉर्थ अमेरिका के ही पार्ट होगी क्योंकि ज्योग्राफिकली उसी के पास में है, लेकिन वो एक्चुअल में यूरोप का पार्ट है, दैट इज ग्रीनलैंड। ओके, मैप पे देखे बहुत बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, वहां पे उसकी बात हो रही है। सिक्स पॉइंट है लेक विक्टोरिया बॉर्डर्स। अब ये जो लेक विक्टोरिया है इसके ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में तरह से बॉर्डर बनाती है ना, या फिर उनको कनेक्ट करती है, ऐसा समझ लीजिए, केन्या, युगांडा, तंजानिया। इससे क्या पता लग रहा है कि लेक विक्टोरिया अफ्रीका में है, और लेक विक्टोरिया से क्या हम पढ़ते हैं, क्या ओरिजिनेट होता है यहां से, विक्टोरिया लेक इजिप्ट के पास है, वाटरफॉल कुछ ऐसा पढ़ते हैं ना हम, तो वही चीज यहां पे है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है तंजानिया एंड युगांडा के बीच में। अब इजिप्ट किसी और चीज के लिए भी फेमस है, रिवर नाइल या नील नदी, तो नील नदी का ओरिजिनेशन भी लेक विक्टोरिया ही माना जाता है ना, ऐसे करके आपने याद रखना है। नाउ सेवन पॉइंट है रेड क्लिफ लाइन डिसाइडेड ऑन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है रेड क्लिफ लाइन, सर रेड क्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को ये डिसाइड की गई थी। एट पॉइंट आता है ऐसी कौन सी लेक है अमंग ग्रेट फाइव लेक्स ऑफ यूएसए दैट लाई एंटायरली इन यूएसए। देखिए यूएसए में जितनी भी लेक्स है ना ऑलमोस्ट सभी यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पे पड़ती हैं, लेकिन एक ऐसी लेक है जो एंटायरली यूएसए में है और वो कौन सी है, लेक मिशिगन। ओके, नाइन्थ पॉइंट अगर हम देखें लेक टिटिकाका फॉर्म्स बाउंड्रीज बिटवीन, जो लेक टिटिकाका है, ठीक है ना, जो लेक टिटिकाका है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री बनाती है, पेरू एंड बोलिविया, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। अरा सी इज लोकेटेड इन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज क्या होता है, देखिए हैविंग टेरिटरीज इन मोर देन वन कॉन्टिनेंट, ऐसी कंट्रीज जो आप कहें कि एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में फॉल करती है, जैसे रशिया है, मैक्सिमम तो एशिया में आता है पर थोड़ा सा पार्ट इसका यूरोप में भी आता है, तो वैसे ही टर्की है, कजाकिस्तान है, इजिप्ट है, अजरबैजान है, ये पांच ऐसी कंट्रीज है जिन्हें आप ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज बोलते हो, ठीक है। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके बारे में कुछ सोचते हैं और उसके ऊपर भी जरूर मैं वीडियो बनाऊंगी। बट देखिए अभी सीरीज चल रही है तो अगर आप अभी क्वेश्चंस पूछते हैं तो चांसेस हैं कि वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, अदरवाइज बात का फिर मुश्किल रहता है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड्स ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में, तो आप बस मेरे साथ कनेक्टेड रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।